हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीर। आज हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड ईच एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये जो नीचे नंबर दिए गए हैं ना, ये पांच पार्ट दिए गए हैं, इन सभी को हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में लिखना है। प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में हमें इन्हें एक्सप्रेस करना है। ठीक है, कैसे करना है, मतलब प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कैसे करना है, और उससे पहले प्राइम फैक्टर्स होते क्या है ये पता होना चाहिए। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे हमें कोई भी नंबर है उसको प्राइम नंबर से डिवाइड करते चलना हमें, और लास्ट तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक वन नहीं आ जाता, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो जाता, और जो फैक्टर्स बन जाते हैं उन्हें हम प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। अब प्राइम नंबर क्या है, ये प्राइम नंबर क्या है, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, जो फंडामेंटल थ्योरम वाली वीडियो थी उसके अंदर हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पढ़ लिए थे, और फंडामेंटल थ्योरम पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वो वहां पर जाके आप उसे देख सकते हैं, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन्हें ये कंपोजिट नंबर है, इनको हमें प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं 140, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी वही है ये। उसने क्या कहा था फंडामेंटल थ्योरम ने, कि कोई भी कंपोजिट नंबर है वो प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में यूनिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है। मतलब हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में हमें फैक्टराइज कर सकते हैं, और वो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो यूनिक बनेंगे। क्या बनेंगे, वो यूनिक बनेंगे, मतलब हर एक कंपोजिट नंबर के लिए ये नहीं कि अब की बार ये प्राइम फैक्टर्स आ गए, अब कोई और बच्चा सॉल्व कर रहा है तो उसके लिए कोई और प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे, नहीं, उसको हम जब सॉल्व करेंगे तो सभी के लिए सेम प्राइम फैक्टर्स आएंगे। ठीक है, तो 140 फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं इक्वेशन सॉल्व करना। क्या कैसे करेंगे प्राइम फैक्टर्स, मैंने बताया था जो भी नंबर है आपका एक कंपोजिट, इसको हम प्राइम जो नंबर होते हैं वहां से डिवाइड करना स्टार्ट करते चलेंगे। सबसे छोटे नंबर से लग जाओ, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, तो हम इसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे, और फिर 3 से करेंगे, 5 से, ऐसे 7, 11, 13, आपको ऐसे चलते जाना है, जिससे डिवाइड हो रहा है उससे करो, नहीं हो रहा उसे छोड़ दो, अगला प्राइम नंबर ले लो। ठीक है, तो 140 है, 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है 140, क्यों, क्योंकि लास्ट में 0 है, तो ये इवन नंबर है, ये होगा, तो 2 से डिवाइड होगा 70 पर। ठीक है, हो गया। अब फिर से 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड करो, जब तक ये 2 से हो रहा है 2 से करो, 35 पर चला जाएगा, 35 into 2 70। अब देखो लास्ट में 5 है, तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, और ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, अगला आ जाओ 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, आगे चलो 5, अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल लास्ट में अगर 5 और 0 आते हैं तो 5 से डिवाइड होता है वो, तो 5 का लास्ट में मतलब ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से 35, अब ये 7 है, ये 1 आ गया, रुक जाओ, ये जो आ गए ना, ये क्या है, ये प्राइम फैक्टर्स है, तो हमने इसके 140 के प्राइम फैक्टर्स को निकाल लिए, लेकिन अभी काम जो करना है वो बाकी है, क्या, इसको प्रोडक्ट में अरेंज करना है, एक्सप्रेस करना है हमें, प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है 140 को, क्योंकि 140 एक कंपोजिट नंबर है, और कोई भी कंपोजिट नंबर है वो हम प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमने फंडामेंटल थ्योरम में पढ़ लिया था पिछली वीडियो में। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जरूर देख लीजिए, उसको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा आपको, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वैसे ये क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, बस प्राइम नंबर से डिवाइड करते चले हैं, स्टार्टिंग से लगे 2 से आगे डिवाइड करते चले हैं, 1 आ गया तब रुक गए हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे 140 को, ये जो है इनको प्रोडक्ट में लिख दो, 2 × 2 × 5 × 7, तो क्या आ जाएगा 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, 2 × 2 × 5 × 7, ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, स्टैंडर्ड होता है ये, अच्छा लगता है आपका, और कंफ्यूजन भी नहीं होता आपको किसी प्रकार का, तो आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो अच्छा रहेगा, वैसे आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं इनको, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, 140, अभी इसको छोटा बना लेते हैं थोड़ा, ये दो बार 2 आया हुआ है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये 140 के प्राइम फैक्टर्स है, इनको 140 को प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में हमने एक्सप्रेस कर दिया, और ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं, ये जो प्राइम्स हैं, ये क्या है, ये यूनिक है, यानी 140 के लिए हमेशा चाहे कोई भी बच्चा निकाले, मैं अगर 3 स्टूडेंट से कहूँ कि भाई आप 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए, तो हमेशा तीनों के यही आएंगे 2, 2, 5, 7, ये किसी का लगाएगा, अगर उसे ये क्वेश्चन सोल्व करना आता है तो यही आएगा। ठीक है,
ये यूनिक रहेंगे हमेशा यही आएंगे इसके लिए, ठीक है। हाँ ये ऑर्डर किसी का भी सकता है, मान लो एक स्टूडेंट ने 5 आगे लिख दिया, एक ने 7 आगे लिख दिया, वो कोई बात नहीं है, लेकिन ये 2 5 7 यानी दो बार तो 2 और 5 और 7 ये जो कॉम्बिनेशन है प्राइम फैक्टर्स का ये यूनिक रहेगा। आपको इस प्रकार से इनको प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। ये फंडामेंटल थ्योरम तो है ये, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज ए यूनिक, ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे आर फैक्टराइज्ड या द फैक्टराइजेशन अकर, मतलब ऑर्डर अलग अलग हो सकता है लेकिन जो प्राइम नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिक होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 156, सेम वही स्टार्टिंग से लगते हो प्राइम फैक्टराइजेशन करना, 2 से लग जाते हैं तो 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ये 6 है, लास्ट में 2 से डिवाइड होगा तो 2 से किस पर चला जाएगा, 78 पर चला जाएगा। अब फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल लास्ट में 8 है, ये हो जाएगा 39 पर डिवाइड, ठीक हो रहा है। अब ये 9 आ गया लास्ट में, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से देखो, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 + 9 = 12 यानी 3 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि अगर डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होता है तो नंबर भी 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये 9 है वैसे भी 33 से 39 जैसे हमें पता ही होता है, तो 3 से चला जाएगा 13 पर। अब ये 13 ऐसे सीधा प्राइम नंबर आ गया तो ये सीधा प्राइम नंबर 13 से चला जाएगा, ठीक है, तो 13 पर चला गया ये। तो ये क्या आ गए 156 के प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हमें इसे क्या करना है, प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है, तो 156 को प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कैसे करेंगे, यहां से लग जाओ 2 × 2 × 3 × 13 हो गया, दो बार है तो इसको वैसे लिख देंगे, ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब वो प्राइम नंबर की फॉर्म में हमने क्या लिख दिया इसको, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया 156 को। 156 एक कंपोजिट नंबर है और ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, इनको हमें इसी प्रोडक्ट में लिखना था वो हमने लिख दिया, ठीक है। यही फंडामेंटल थ्योरम थी ना कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसे हम प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है वो उस वीडियो को देख लें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर मैंने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में बताया डिटेल से क्या होते हैं, अच्छे तरह से समझाया है उसको, और इनफैक्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर की जो सभी पिछली वीडियो है उन सभी का लिंक मिल जाएगा, अगर कौन सी वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट, है 3825। अब आप मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमने दो पार्ट कर लिए तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, बस अब तो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से आपको चलना है, जो रकम दी गई है उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है, तरीका तो वही है सब में, पांचों पार्ट में वही तरीका लगेगा, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। देखो अब इसको साथ साथ आपको टू में सॉल्व करेंगे मेरे साथ, 3825 टू से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा क्योंकि लास्ट में 5 है, कौन कौन से होते हैं टू से डिवाइड, क्योंकि लास्ट में क्या हो 0 2 4 6 8 अगर लास्ट में ये डिजिट हो, लास्ट डिजिट जो है ये हो उस नंबर का तो वो 2 से डिवाइड होगा वरना नहीं होगा, ये आपको पता ही है। तो अब 3 से देखो, 3 से कैसे डिजिट तय करते हैं, सभी डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, देखो 3 + 8 = 11 + 2 = 13 + 5 = 18 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, तो 3 से डिवाइड होगा ये, क्या होगा ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से किस पर चला जाएगा ये 11 आ गए, 11 तो 3 का मल्टीपल नहीं है तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखो 5 लास्ट में अगर 5 और 0 हो तो 5 से डिवाइड होता है तो ये 5 से डिवाइड होगा, लास्ट में 5 है 5 से डिवाइड करेंगे सब, ठीक है 5 से कैसे डिवाइड होगा 85 पर डिवाइड हो गया। अब 85 हमें सीधा पता है 5 से कैसे डिवाइड होगा 17 प्राइम नंबर आ गया ना, प्राइम नंबर जब आ जाए तो उसको सीधा उसी का 1 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि और किसी से डिवाइड होगा नहीं 17 प्राइम नंबर हो गया ना, तो लास्ट में 1 आ गया, 1 आते आपको क्या करना है रुक जाना है, ये सीधे आ गए प्राइम फैक्टर्स आ गए किसके इसके, ठीक है। तो अब हम इसको प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे, लिख दो, लिखिए नोटबुक में आप 3825 = 3 × 3 × 5 ×
5 और into 17, ये लिखा है ना मैंने 3 into 3 into 5 into 5 into 17, ठीक है बिल्कुल। अब देखो दो बार 3 है दो बार 5 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे, 3 raised to power 2 into 5 raised to power 2 into 17। हमने इस कंपोजिट नंबर को हमने प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिया। बार बार मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक कंपोजिट नंबर को हमने प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में वही है जो हमने कल पढ़ा था, फंडामेंटल थ्योरम वही है। फंडामेंटल थ्योरम अब आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी इन क्वेश्चन को करने के बाद, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बताया था बिल्कुल इजी थ्योरम है, इसी प्रकार उसके क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है ना। बस हमें क्या करना है, प्राइम नंबर से डिवाइड करते जाना है, प्राइम फैक्टर आ जाएंगे उसको ऐसे प्रोडक्ट में लिख देना, हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे साथ साथ। देखिए अब इसमें 5 है लास्ट में, 5 का मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 5 + 5 = 10, 10 3 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा अभी। अब 3 के बाद क्या आता है, प्राइम नंबर नेक्स्ट 5 से हो रहा है क्योंकि लास्ट में 5 है, लास्ट में अगर 5 और 0 है तो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 5 से डिवाइड हो रहा है 5 0 0 1, ठीक है हो गया ये। अब देखो 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 7 से कैसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, इनफैक्ट मैं जो ये डिविजिबिलिटी चेक करने है, हमें 2 से कैसे होती है, 3 से कैसे होती है, 5 से ऐसे, जिन नंबर्स की डिविजिबिलिटी हमें पता होता है उनकी मैं एक नेक्स्ट अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उस वीडियो में चेक कर लेना भाई कि कैसे पता लगेगा किस नंबर से डिवाइड हो रहा है नहीं, ठीक है। इसके अलग से मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी 7 से डिवाइड कैसे करते हैं उसमें बता देता हूँ अभी आपको, 7 से डिवाइड ये कैसे होगा, लास्ट डिजिट का डबल कर दो, उसको बाकी बचे हुए जो नंबर है उसमें से घटा दो, अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये मतलब ये 7 से डिवाइड हो रहा है। तो देखो 1 का डबल करेंगे 2 को 100 से घटा दो, 98 7 से डिवाइड होता है, 14 7 98, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड करो, 7 1 1 3 0 4 2 1 143, ठीक है 143। अब 143 जो है देखिए 3 का डबल करो 6 को 14 में से घटाओ, 8 7 से डिवाइड होता है, मतलब ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 7 के बाद क्या आता है नेक्स्ट, 11 से डिवाइड होता है ये, ठीक है 11 से सीधा चला जाता है, इतना तो पता भी होता है, ठीक है 11 से ये सीधा किस पे चला जाएगा, 13 पर चला जाएगा, ठीक है। अब 13 ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, 5005 = 5 × 7 × 11। आपको पहले इन उससे पहले करना चाहिए, अब तो बिल्कुल अच्छी तरह से आपको सीधा लिखना है, आई होप कि आपने सब ने सॉल्व कर दिया होगा, उनसे पहले ही लिख दिया होगा अपने आंसर, अब बस हो गया, इसमें तो डबल है नहीं, एक हो गया, ये हमने इसको प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करने लग जाओ आप, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, लास्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट 7429 कंपोजिट नंबर है, इसको प्राइम नंबर की प्रोडक्ट्स में एक्सप्रेस करो बिल्कुल, 7429। इस क्वेश्चन में बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होंगी, मैं आपको सीधा बता देता हूँ, आप खुद करके सॉल्व करके देख लेना बाद में, ये सीधा ही है जो है इस पर जाएगा, ये 1 2 जो स्टार्टिंग में 2 3 5 इनसे नहीं जाएगा, ये सीधा किस पर जाएगा, ये सीधा ही जाएगा 17 पर, इस पर जाएगा 17 पर जाएगा सीधा ये, ठीक है। और 17 पर कितना जाएगा ये, 17 पर जाएगा ये 437, 17 पर कितना जाएगा ये 437, ठीक है। और 437 है फिर वो जाएगा 19 पर 23 से, और 23 बन जाओ 1 ऐसे, ये ऐसे जाएगा, आपको ये करके देखेंगे तब यही आएगा, बड़ी कैलकुलेशन इसका आप करके देख लेना, है तरीका वही सेम, बस कैलकुलेशन बड़ी है, और कैलकुलेशन तो आप अब 10th में हो गए, आप बिल्कुल आसान से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको एक्सप्रेस कर देते हैं प्राइम फैक्टर्स में, 7 इसको 17 × 19 × 23 हो गया। तो यही है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे हर एक कंपोजिट नंबर के लिए। तो ये जो हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया, ये फंडामेंटल थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन था, फंडामेंटल थ्योरम हमने पिछली वीडियो में कर लिया था, जिसने वो देखे नहीं वीडियो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आज हम इस वीडियो में बस फर्स्ट क्वेश्चन ही करेंगे, जो अगले क्वेश्चन सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, आप खुद से का एग्जांपल बनाइए, खुद से बनाइए, जरूर नहीं कि ये 500 करें आप खुद से कोई एग्जांपल बनाइए और उसको सॉल्व करके देखिए, ठीक है। आप प्योर से प्रैक्टिस हो जाएगी, वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो तब तक आप इन्हें पढ़िए और सॉल्व करिए, ठीक है। थैंक यू।